हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस वन फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्लास प्लस वन की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे। हम जो है वो एमसीक्यूज की मदद से जो है वो सारे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर होगी वो हम सभी जो है वो इस एमसीक्यूज की हेल्प से जो है वो पूरी को जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट यूनिट का फिजिकल वर्ड का है, फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। जो हमारी फिजिक्स है उसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं या फिर हमारी फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स हमारी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के बारे में और नेचर के अंदर जो भी फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग होगी, अर्थक्वेक होगी, वोल्केनोज हो गए, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। यानी कि जो हमारी फिजिक्स है वो हमारी स्टडी है नेचर की और नेचुरल फिनोमिनाज की। यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा, फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने जाना कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स जो है वो हमारी नेचर और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको ही हम जो है वो फिजिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी राइट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो है वो आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। फिजिक्स में ही के कारण ही जो है वो, फिजिक्स की थ्योरीज के कारण ही हम जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप कर पाते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जो है वो रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे लिखा था दे आर नॉट रिलेटेड, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी रहेगा। लेकिन हम आगे की स्टेटमेंट को भी देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, वो जो है वो डील करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज के कारण के साथ, जो कि किसी चार्ज या फिर मैग्नेटिक बॉडी के साथ जो है वो लिंक्ड होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट थी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेंस अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी प्रोसेस के अंदर चेंज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। कंजर्व का मतलब होता है कि सेम रहना, बचा रहना। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी राइट होगी। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो हमारी यही है कि जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी है वो आपस में इंटरलिंक नहीं है, आपस में रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो मैकेनिक्स जो है वो हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच है, जो कि वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह के साथ जो है वो डील करती है। ऑप्टिक्स भी जो है वो हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच है, जो कि लाइट के फिनोमिनाज के बारे में जो है वो बताती है, लाइट की फिनोमिनाज के बारे के साथ जो है वो डील करती है। साइटोजेनेटिक्स जो है वो हमारी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, ये हमारी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, जो कि डील करती है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। तो ये जो है वो हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो साइटोजेनेटिक्स जो है वो हमारी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो तो हमारी जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है, जो कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेंज ऑफ मासेज वी स्टडी इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन चीज़ों की जो मास है वो किस रेंज में आते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो अगर हम वेल नोन अभी तक अगर हम जानें कि अभी तक हमारे पास जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमें पता है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इन टर्म्स 10^-30 किलोग्राम के अराउंड होता है। तो इसलिए हम जो है वो
10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम जो कि सबसे छोटा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स का मास है जो कि 10 की पावर 55 किलोग्राम है, जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। जितना यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उतने यूनिवर्स का मास हमारा 10 की पावर 55 किलोग्राम है। तो हम छोटे से छोटा यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, और बड़े से बड़ा यानी कि हमारे यूनिवर्स का मास 10 की पावर 55 किलोग्राम, इस रेंज के बीच के सभी मासेस को जो है वो फिजिक्स के अंदर जो है वो डील करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू, हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है वो किसके साथ डील करती है। तो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील करती है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो हमें दिखाई देता हो, जैसे फोर्स, पावर, वर्क, ये सब जो है वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स के हिस्से हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र आती हो उनके बारे में जो है वो हम क्लासिकल फिजिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स लाइक, तो जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स है वो छोटे पार्टिकल्स के साथ डील नहीं करती है, यानी कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ डील नहीं करती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसके लिए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, जो हमारी लाइटनिंग है वो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी, जो कि ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMRT, तो ये जो है वो हमारा एक फुल फॉर्म है एक हमारे इंस्ट्रूमेंट की, ये फुल फॉर्म होती है हमारे जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की, GMRT, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच देयर प्रॉपर्टी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो वेव नेचर होता है, बहुत छोटे साइज होता है, इसलिए जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन भी जो है वो लाइट की तरह, जैसे कि हमें पता है जो हमारी लाइट है वो ड्यूल नेचर शो करती है। यह सभी बातें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, जब हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सब चीजें जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारी जैसे लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, वो वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर जो है वो शो करती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का साइज भी बहुत छोटा होने के कारण वो भी जो है वो एज वेल एज पार्टिकल और एज वेल एज वेव नेचर को शो करता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, बोहर गेव थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड युकावा द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये जो है वो हमारी सही स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन एंड द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बाय द गैलीलियो, ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द आइंस्टाइन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द फैराडे, तो ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे ने जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन, तो न्यूट्रॉन जो है वो जे थॉम्सन ने नहीं डिस्कवर किए थे, तो ये जेम्स चैडविक ने किए थे। न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक एंड इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉम्सन, तो ये उल्टे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन को जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इसके लिए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, जो हमारा सोनार होता है उसमें जो है हम कौन सी वेव्स को यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। सोनार जो है वो हमारा यूज होता है शिप्स वगैरह में, जो कि ये बॉटम हमारे जो सी वगैरह होते हैं, समुंदर वगैरह, तो उनकी ये बॉटम को जो है वो डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई समुंदर है, उसमें पानी की गहराई कितनी है, अगर हमारी यहाँ पे कोई शिप है तो यहाँ से जो है वो सोनार लगा होता है, तो यहाँ से जो है वो एक यूवी रेडिएशन को यहाँ छोड़ा जाता है, फिर वो यहाँ टकरा के वापिस ऊपर आते हैं, और उस टाइम गैप से हम जो है पता करते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो सोनार जो है वो हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो थोड़ा सा बता दूँ कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक
इंस्ट्रूमेंट है जो जो है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। एक्सेलरेट यानी कि उनको तेज करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन को। आप लोगों ने एक कोलाइडर के बारे में सुना होगा कि ज़मीन के अंदर, जिनेवा के अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर एक कोलाइडर है जो कि बेसिकली एक साइक्लोट्रॉन ही है जो कि अल्फा जो हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है। तो ये जो है वो सबसे पहले इनकी इन्वेंशन करी थी अर्नेस्ट ओर्नाडो लेवरेंस। ऑप्शन डी इसके लिए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिज द हाइन एंड मैटनर डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो ये 1938 में जो है वो डिस्कवर किया गया था। तो इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है, एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड स्टीम इंजन ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। तो ये जो है वो हमारी सही स्टेटमेंट नहीं है। हमें सही स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी हमारी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड रॉकेट प्रोपल्शन ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। तो ये गलत है, रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो हमारा न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, एरोप्लेन जो है वो हमारा बर्नौलीज के ऊपर डिपेंड करता है और स्टीम इंजन जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है वो गलत है। कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द लॉजिकल डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाइल इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर जो है बेस्ड होते हैं, वही जो हमारा जनरेटर होता है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। तो ऑप्शन सी इसके लिए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल थ्योरेटिकली। जो हमारे एंटी पार्टिकल है उनको सबसे पहले जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो जो है वो हमारे पॉल डायराक ने जो है वो उनको सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, सर सी वी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर। सी वी रमन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को जो है वो उनको उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट द करेक्ट लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। इसमें से कौन सा जो है वो सही से मैच नहीं है। फोटो सेल जो है वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं करता, ये जो है वो और न्यूटन्स लॉ के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो रॉकेट प्रोपल्शन का यहाँ पे सही मैच नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसके लिए राइट हो जाएगा। उसके बाद टोटल ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्या होती है ये हम ऑप्टिक्स में जाके जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर जो है वो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ द प्लाज्मा पे डिपेंड करता है, तो ये भी जो है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ही राइट है क्योंकि ये करेक्ट मैच नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वाज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। कौन से ईयर को जो है वो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, तो 2005 को हम जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट है, जनरेशन प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बेस्ड ऑन। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन के बेसिस है, तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन जो और आज के सभी कंसेप्ट जो है वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।